आवाज आ रही है? ओके, फाइव नंबर स्टैचुरी लिक्विड रेशियो से बाकी है। कल हमने ये कैश रिजर्व रेशियो समझा था, जिसमें क्या होता है कि सभी बैंक्स को कंपलसरी कुछ कैश जो है आरबीआई में रखना होता है। अगर आरबीआई वो पैसे अपने पास जमा रखती है, उसका मतलब उतना पैसा मार्केट में कम है, और तो मार्केट में पैसे की कमी रहती है, जिसकी वजह से महंगाई पे कंट्रोल रहता है। अब कैश रिजर्व रेशियो के अलावा स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो आता है, जो हमने 1949 में ये कानून बनाया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ऑल बैंक्स हैव टू मेंटेन इक्वल टू एंड नॉट लेस देन 25% ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड इंक्यूबर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। कम से कम 25% डिपॉजिट्स या कैश या गोल्ड जो भी उनके पास है सिक्योरिटीज, 25% उन्हीं के पास रहना चाहिए। जैसे अगर मैं जाके बैंक में 100 रुपीज़ डिपॉजिट करता हूँ, तो जो मैं पैसे डिपॉजिट करता हूँ, वो बैंक किसी को लोन पे देती है और इंटरेस्ट लेती है, ठीक है। लेकिन बैंक क्या कर सकती है, 2% तो पहले वो 2 से 15% के बीच में उसे रिजर्व बैंक में देना पड़ेगा, रिजर्व बैंक में रखेगी, और 25% उसे अपने पास रखना है, मतलब अराउंड 70 रुपीज़ जो है वो लोन पे दे सकती है, बाकी 30 रुपीज़ के आसपास तो उसी के पास रहेगा, 25% खुद का और 2% RBI, 2 to 5% समझो, तो बाकी का 70 रुपीज़ वो लोन पे दे सकती है, लेकिन 25% कम से कम उसे अपने पास रखना है एमरजेंसी के लिए। अ हायर SLR डाइवर्ट्स बैंक फ्रंट फ्रॉम लोन्स। अगर 25% उन्हीं के पास रहता है, मतलब लोन्स कम जाएंगे, लोन कम जाएगा तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, जिसकी वजह से जो महंगाई है वो कंट्रोल में रहेगी। अगर हम SLR कम कर देते हैं, ये लिक्विडिटी रेशियो कम कर देते हैं, तो बैंक्स जो है वो ज़्यादा लोन दे पाएंगी तो लोगों के पास पैसा जाएगा तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी और सभी चीज़ों की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि सभी बैंक्स जो है वो लोन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि SLR कम कर दिया गया अभी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स के पास जो पैसा है वो लोन देना चाहती है, लोन से इंटरेस्ट कमाना चाहती है। तो लोगों तक जो पैसे की कमी हो गई है मार्केट में, लोगों तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, तो लोगों तक पैसा पहुंचे और हमारी इकोनॉमी जो है वो वापस स्टार्ट हो सके। सिक्स्थ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर टू द सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स बाय द RBI इन द ओपन मार्केट। गवर्नमेंट की चीज़ों को वो ओपन मार्केट से खरीदती है। ओपन मार्केट यानी कि सभी को पता, सभी को अनाउंसमेंट करके वो चीज़ें ली जाती है, मतलब उसमें कुछ भी छुपता नहीं है किसी से, न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में और न्यूज़ में RBI जो है वो इन्फॉर्मेशन दे देती है कि ये चीज़ें हम गवर्नमेंट से बाय कर रहे हैं या गवर्नमेंट को सेल कर रहे हैं। व्हेन द RBI परचेजेस गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम द मार्केट, द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी राइजेस। जब RBI कुछ चीज़ें खरीदती है गवर्नमेंट से, उसके बदले में पैसे देती है, वो पैसे मार्केट में आते हैं और इकोनॉमी में पैसे बढ़ते हैं। द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फॉल्स व्हेन RBI सेल्स सच बॉन्ड्स। जब RBI गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स खरीदे उन्होंने, वो वापस गवर्नमेंट को बेचती है, तो गवर्नमेंट को अपने पैसे RBI को देने पड़ेंगे। तो जो पैसे मार्केट में थे, जो गवर्नमेंट के पास थे, वो कम हो रहे और बैंक रिजर्व बैंक में जाके रहेंगे। सच ऑपरेशंस आर अंडरटेकन टू रेगुलेट इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। तो महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए और डिप्रेशन को कंट्रोल में करने के लिए ये चीज़ें होती है।
सेवंथ पॉइंट है स्टेबलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट्स अगेंस्ट शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब अचानक से फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू कम या बढ़ती है, when there is excessive inflow of foreign exchange in India owing to trade and foreign investment, the RBI indulges in open market sale of government securities equal to the amount of inflow of foreign exchange. जब foreign का पैसा जब हमारे इंडिया में ज़्यादा आता है तो RBI को सेल करनी पड़ती है चीज़ें ताकि वो पैसा RBI की तरफ आए। This is done to keep its balance sheet unchanged owing to excessive foreign exchange. वो ऐसा इसलिए करना चाहती है ताकि उनकी जो बैलेंस शीट है वो मेंटेन रहे। अगर ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो उसके बदले में उनको चीज़ें सेल करनी पड़ती है। दस इट स्टरलाइजेस इट्स बैलेंस शीट। ये क्या करती है, बैलेंस शीट को स्टरलाइज करती है, मतलब साफ सुथरा रखती है, कोई उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने नहीं देती है। इट बायस गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लेकिन अगर समझो फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया है और हमें अपने पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, आउटफ्लो ज़्यादा है, तो फिर आरबीआई को गवर्नमेंट से वो चीज़ें खरीदनी पड़ती है, बॉन्ड्स खरीदने पड़ते हैं ताकि बैलेंस रहे, जो उनकी बैलेंस शीट है वो स्टेबलाइज रहे। चलो बी है सेलेक्टिव या क्वालिटेटिव मेजर्स। कैसे क्वालिटी आप चेक कर सकते हो। Besides the general measures and different form, the general measures, the RBI uses certain selective measures to direct credit for development of certain sectors or sections of the economy. These measures have unique impact on some sectors and are not meant to impact all sectors similarly. ये जो चीजें हम समझेंगे। हेलो, हाँ क्या हुआ? हेलो, कुछ नहीं। चलो सम ऑफ द मेजर्स, यहाँ पे जो हम चीजें समझेंगे वो सभी सेगमेंट्स पे असर करती है ऐसा नहीं है, कुछ सेगमेंट्स के लिए स्पेशली ये चीजें बनाई हुई होती है। फर्स्ट है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। जब भी आप बैंक से लोन लेने जाओगे तो बैंक आपके ही कुछ सिक्योरिटी मांगती है कि आपको हम पैसे दें तो किस चीज़ के बदले में दें, क्या सिक्योरिटी, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम क्या ले सकते हैं आपका, तो उसका सिक्योरिटी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। सो दे लैंड मनी अगेंस्ट सम सिक्योरिटी डिपॉजिट्स फ्रॉम द बोरोवर्स। इन केस द बोरोवर इज़ नॉट एबल टू रीपे द लोन, द बैंक यूजेस द सिक्योरिटी टू रिकवर इट्स ड्यूज। ठीक है, अगर बोरोवर जो है वो पैसे नहीं दे पाता है वापस, तो जो भी सिक्योरिटी उसने रखी होगी वो सिक्योरिटी जब्त कर ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल अ बैंक कैन टेक ज्वेलरी डिपॉजिट्स कार हाउस लैंड एक्सेट्रा एज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी स्पेसिएशंस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, सो दैट ऑल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन कैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन बैंक क्रेडिट एंड ऑल सेक्टर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप वेल। अब हर एक फील्ड के लिए सिक्योरिटी अलग से डिसाइड की हुई है। जैसे फार्मर के लिए सिक्योरिटी उसका लैंड रहेगा, उसकी खेती रहेगी। ठीक है, बिजनेसमैन के लिए सिक्योरिटी उसकी फैक्ट्री होगी, उसका शॉप होगा। हैंस आरबीआई डायरेक्ट्स कमर्शियल बैंक्स रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी विच दे मे आस्क फॉर इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स और फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल। अ पुअर फार्मर मे बी ग्रांटेड अ लोन विदाउट मच सिक्योरिटी। फार्मर को ज़्यादा सिक्योरिटी के बदले ही उसको पैसे दिए जा सकते हैं। And a rich business person may be required to keep more as a security with the bank for a loan. जो rich business person है तो उसको अगर 10 लाख का लोन चाहिए तो उसे 20-22 लाख की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी ताकि उसको अगेंस्ट उसको 10-15 लाख का लोन मिल सके। Now margin requirement. The RBI also set margin for granting loans against security. मार्जिन भी रखते हैं वो कुछ। एन इंडिविजुअल इज गिवन ओनली अ सर्टेन परसेंटेज एज लोन फॉर द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट ऑफर्ड एज सिक्योरिटी। जैसे अभी मैंने बताया, आप 20 लाख की अपनी सिक्योरिटी बताओगे, 20 लाख की प्रॉपर्टी बताओगे, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको लोन जो है वो 8-10 लाख ही मिल पाएगा।
बैंक्स आर डायरेक्टेड टू सिलेक्टिवली कीप डिफरेंट मार्जिन्स, बैंक्स को अपने तरीके से वो मार्जिन डिसाइड करने हैं। कोई बैंक ऐसी होगी जो 20 लाख के बदले में आपको 15 लाख भी लोन दे सकती है कि आपने 20 लाख के अपने प्रॉपर्टी के कागज़ उनको दिए, वो हो सकता है कि आपको 15 लाख का लोन दे दें। कोई ऐसी भी बैंक होगी जैसे स्टेट बैंक, उसका मार्जिन बहुत हाई रहता है। अगर आप वहाँ पे 20 लाख का पेपर्स लेके जाओगे कि आप भले ये मेरे घर के पेपर्स रख दो, मुझे लोन चाहिए, तो वहाँ पे आपको 8 से 10 लाख ही मिल पाएगा। सो हर एक बैंक का मार्जिन जो है वो अलग होता है और हर एक बैंक को छूट है कि वो अपने मार्जिन अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। थर्ड, सीलिंग ऑन क्रेडिट। द आर बी आई ऑल्सो प्रिस्क्राइब सीलिंग्स फॉर क्रेडिट्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस। ठीक है, क्रेडिट लेवल्स जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग होती है। आपने देखा होगा किसी के पास क्रेडिट कार्ड होगा तो उसकी लिमिट रहती है कुछ, जैसे किसी की 40,000 है, तो जो बैंक या कोई बड़े बिजनेस पर्सन होते हैं तो उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट लाखों में होती है। सो हर एक क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है वो भी बैंक अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है, क्रेडिट की लेवल। ओके, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। आरबीआई सजेस्ट डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडिंग्स, जैसे पर्सनल लोन, क्योंकि उसमें आपको कुछ सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती पर्सनल लोन में, तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। और अगर आप होम लोन लेते हो तो वो सिर्फ 7-8% में होम लोन मिलता है, जबकि पर्सनल लोन जो है वो 14-15% हो जाता है। वहीं पे फार्मर्स जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो फार्मर्स को इंटरेस्ट रेट बहुत कम देना पड़ता है, लेकिन अगर कोई बिजनेस पर्सन अपने कार या अपने होम घर के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना होगा। ओके, सो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आज के टॉपिक्स में से कुछ पूछना हो आपको तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है? हेलो, आवाज़ आ रही है? Yes. कुछ पूछना है किसी को? निकिता? फीलिंग ही। हाँ हिमांशी। सीलिंग की मीनिंग क्या है? सीलिंग मतलब लेवल्स, क्रेडिट लेवल्स अलग अलग पर्पस के लिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। लेवल्स, लेवल्स सीलिंग मतलब लेवल्स मान सकते हो। ओके, एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो कोर्स कंप्लीट हो गया ना इकोनॉमी का, इकोनॉमिक्स का? Yes. अभी ये लर्न कर लो जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स, परसों एग्जाम है। तो कल रखना है लेक्चर, कल सर इसमें, हाँ इसमें डिटेल सब करनी है ना? हाँ हाँ सब करना है, एक्सरसाइज से एक्सरसाइज का सब कुछ। ओके कल डाउट लेक्चर रखेंगे, कुछ भी डाउट हो तो आप लेके आना, कल तक अच्छे से पढ़ लो, फिर जो भी डाउट हो तो कल पूछ लेना। ओके, चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू।